बीसीसीआई अब लेगी रोहित शर्मा को लेकर बड़ा फैसला, छीन सकती है टी20 कप्तानी। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा फिलहाल वनडे और टेस्ट की कप्तान बने रहेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को यूएसए और वेस्टइंडीज में होने वाले 2024 विश्व कप के लिए छोटे प्रारूप में भारतीय टीम का कप्तान बनाए जाएंगे। हार्दिक पांड्या फिलहाल वेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के टीम में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। यदि इसमें बतौर कप्तान अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो फैसले पर मुहर लग जाएगा। 29 साल के हार्दिक पांड्या इस साल अपने आप को एक लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनके अंदर एक जबरदस्त नेतृत्व क्षमता दुनिया देख रही है। हार्दिक पांड्या बैट और बॉल दोनों से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वह अपने आप को दबाव में कतई नहीं आने देते हैं। उनका ये बाकी खिलाड़ियों से अलग बनता है। हार्दिक पांड्या कप के कप्तानी के बलबूते नई नवेली आईपीएल टीम चैंपियन बन गई। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2024-22 में 15 मैच में 487 रन बनाए और जिसमें से 4 अर्धशतक शामिल थे। गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट अपने नाम किए थे और गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाने में मुख्य भूमिका निभाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी बेरंग दिखाई दी। बल्ले से पूरे टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन रहा। 6 मुकाबले में मात्र 116 रन बना पाए।